और योगी सरकार ने एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। पुलिस प्रशासन में बड़ा बदलाव करते हुए आईजी, डीआईजी और एडीजी लेवल के 38 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए हैं। इसमें लखनऊ, बरेली, आगरा और वाराणसी जोन के आईजी समेत करीब दर्जन भर पुलिस महानिरीक्षक को अलग अलग जिलों में अलग अलग पदों पर तैनात किया गया है। वहीं सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अमिताभ यश को एसटीएफ का नया आईजी बनाया है। साथ ही एडीजी लॉ अलग और एडीजी क्राइम अलग बनाए गए हैं। पहले एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एक ही थे। आपको बताया कि पिछले एक महीने में प्रशासनिक स्तर पर यूपी सरकार ने यह पांचवां बड़ा फेरबदल किया है। एडीजी स्तर के अधिकारियों को वाराणसी, लखनऊ, मेरठ, आगरा और बरेली जोन का प्रभारी बनाया गया है। एडीजी प्रशिक्षण विश्वजीत महापात्र को वाराणसी भेजा गया है। मुरादाबाद स्थित पुलिस अकादमी के एडीजी आनंद कुमार को मेरठ आईजी और आईजी मेरठ को आगरा एडीजी और मुरादाबाद ब्रिजलाल मीणा को बरेली भेजा गया है। एडीजी अपराध अभय कुमार प्रसाद को एडीजी लखनऊ जोन बनाया गया है। आगरा के आईजी सुजीत पांडे को आईजी प्रशासन बनाया गया है, आईजी प्रशासन लखनऊ बनाया गया है। एसटीएफ आईजी राम कुमार को आईजी मेरठ, अशोक जैन को आईजी आगरा रेंज, आईजी पीएसी लखनऊ एसके भगत को आईजी बरेली बनाया गया है। आईजी खाद्य प्रकोष्ठ जय नारायण सिंह को आईजी लखनऊ बनाया गया है। आईजी पीएसी पूर्वी जोन आलोक सिंह को आईजी कानपुर रेंज और आईजी खुफिया राजेश कुमार श्रीवास्तव को आईजी फैजाबाद बनाया गया है। योगी सरकार ने एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। पुलिस प्रशासन में बड़ा बदलाव करते हुए आईजी, डीआईजी और एडीजी लेवल के 38 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। इनमें लखनऊ, बरेली, आगरा और वाराणसी जोन के आईजी समेत करीब दर्जन भर पुलिस महानिरीक्षक को अलग अलग जिलों में अलग अलग पदों पर तैनात किया गया है।